हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स पार्ट जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप डेली इस सेशन को जरूर अटेंड करें स्टूडेंट, और डेली करंट अफेयर्स आपने पढ़ना भी है। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के कंटेक्स्ट में। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स स्टूडेंट्स शुरू होने जा रहा है 23rd of August से। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन बच्चों तक भी जानकारी पहुंच सके जो घर बैठकर ही इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं। ये जो हमारा फुल लेंथ कोर्स है, इट इंक्लूड्स 200+ GS लेक्चर्स, नोट्स आपको 300+ पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, 75 लेक्चर्स आपके लिए सी सेट के इसमें रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही, करंट मैगजीन्स आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई हैं, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, मॉक इंटरव्यू सेशन इसका हिस्सा रहेंगे और साथ ही साथ वीकली लाइव डाउट सेशन भी आपके इस कोर्स में इंक्लूड है। मतलब आपकी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की जो जर्नी है उसे ये कोर्स कंप्लीट करता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, फीस कोर्स की मात्र है 22,500 रुपए। सो आप अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट इस कोर्स को, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इन अर्बन रीजंस। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट छत्तीसगढ़ जो है ये इसका सही जवाब है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को रिकॉग्नाइजेशन मिला है स्पेशली इन अर्बन रीजन। धमतारी डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स के कंटेक्स्ट में ये जो है डिसीजन लिया गया है, ठीक है, तकरीबन ये 4,127 हेक्टेयर का क्षेत्र है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या। देखिए 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया गया था और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेंगे तो ये सारा आपको जो है न्यूज समझ आ जाएगी, ठीक है। FRA शॉर्ट में कह सकते हैं एक्ट 2006, इसके तहत स्टूडेंट क्या किया गया, देखिए फॉरेस्ट लैंड हुआ कर मान के चलिए फॉरेस्ट लैंड है, इसमें ए एंड बी ये यहां पर क्या है रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब मान के चलिए कोई आउटसाइड अथॉरिटी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी या अदर अथॉरिटी जो है वो आके कहती है कि भाई लीगलाइज नहीं है आपके नाम पर, लीगली ये जमीन तो है ही नहीं, हम यहां पर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और इन लोगों को यहां से जबरदस्ती हटा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा हुआ करता था बहुत ज्यादा, बट 2006 में भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया। देखिए दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, तो उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता कि जमीन को रजिस्टर कराना जरूरी है या इस प्रकार के लॉस को फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है, और ये तकरीबन 100-150 सालों से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं। तो मान के चलिए 10 हेक्टेयर जमीन में ये काम कर रहे हैं, 10 हेक्टेयर जमीन पर ये खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अपना जीवन का जो है निर्वाह कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या होगा, इनको ऑनरशिप राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑनरशिप राइट्स कि ये इस क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो लीगली माना जाएगा, कोई इन पे बॉन्डेजेस नहीं होंगी। हाँ ये इस जमीन को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट सेल इट, दे कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ दीज प्लेसेस, ठीक है। तो इसी प्रकार से डिसीजन जो है अर्बन एरिया के कंटेक्स्ट में लिया गया है और इसके तहत जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्ट रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज द फॉरेस्ट रीजन जिसका इस्तेमाल विलेज कम्युनिटी द्वारा किया जा रहा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जरूर आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी रेखा शर्मा, सी कमलेश कुमार पंत, डी आलोक वर्मा। यस स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर।
आंसर करेंगे। सो ऑप्शन स्टूडेंट्स सी जो है कमलेश कुमार पंत, ये सही आपका आंसर है। कमलेश कुमार पंत जो है 1993 के आईएएस ऑफिसर है हिमाचल काडर के, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्हें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब ये है क्या, पहले तो एनपीपीए के बारे में जान लें। देखिए एनपीपीए जो है स्टूडेंट, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है विच कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन इंडिया एंड इट वाज फॉर्मड इन 1997, ठीक है। बेसिक आपको इतना ध्यान रखना है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है शुभ्रा सिंह को, ठीक है, जिनकी अपॉइंटमेंट 2018 में हुई थी। थोड़ा सा हम कमलेश पंत जी के बारे में भी जानते हैं। फॉर्मली ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, फाइनेंस कमिश्नर रह चुके हैं, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स एट, ऑप्शन ए सिक्किम, बी तवांग, सी करगिल, डी लद्दाख। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? So, ये तो आप आंसर आपके सामने ही आ गया, डी लद्दाख इज द राइट आंसर। सो कोई बात नहीं, चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा जान लेते हैं है क्या ये। सो लद्दाख जो है स्टूडेंट्स, यहां पर अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स को एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द टावर जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होगा लद्दाख रीजन में। अब ये एटीसी होता क्या है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है टावर्स होते हैं, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी प्रकार का कॉलिजन ना हो इस एयर स्पेस में, या ऑर्गेनाइज और फ्लो करना एयर ट्रैफिक को, बेसिकली हेल्प करना टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक इन एयर स्पेस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि दौलत बेग ओल्डी फुकुचे नयोमा रीजन, जो कि बॉर्डर रीजन है, सटा हुआ क्षेत्र है चाइना के साथ एलएसी रीजन में, यहां पर जो है हवाई अड्डों का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं और ये सबसे हाईएस्ट मोबाइल टावर बन गया है, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, ऑप्शन ए ब्रह्मोस, बी निर्भया, सी अग्नि, डी पृथ्वी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे, सो ऑप्शन स्टूडेंट्स बी जो है आपका निर्भया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी डीआरडीओ जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है, डीआरडीओ ने मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल को, जिसका नाम है निर्भया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये इंडिजीनियस फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्रूज मिसाइल्स आर बेसिकली द गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है। गाइडेड मिसाइल जो होती है उन्हें क्रूज मिसाइल्स कह दिया जाता है, और सबसोनिक है तो सबसोनिक जो मिसाइल्स की स्पीड रहती है वो 250 mph, ठीक है, माइल्स पर आर रहती है। अगर सुपरसोनिक मिसाइल होगी तो 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है मिसाइल्स मूव करती हैं। तो ये सबसोनिक है, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, इसमें जो है बेसिकली मेड इन इंडिया मानिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी जो रेंज रहेगी कन्वेंशनल वेपन न्यूक्लियर वेपन दोनों के लिए ही वो रहेगी 200 से 300 किलोग्राम तक, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है निर्भया के बारे में, और सीधा सवाल जो है ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल नॉट टेक पार्ट इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ऑप्शन ए यूएसए, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फिलीपींस। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स जो है वो सही है, क्योंकि ये क्वाड नेशन के बीच बेसिकली ये मालाबार हुआ है, ठीक है, गुआम क्षेत्र में। ये आप गुआम रीजन देख सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मैप में, ठीक है। यहां पर जो है ये नेवल एक्सरसाइज हुआ है क्वाड नेशंस के बीच में, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है इस पर भी बात करेंगे, और भारत का की तरफ से क्या सहभागिता रही है, पार्टिसिपेशन रही है, विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एज वी नो दैट क्वाड के सदस्य हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और अभी रिसेंटली मालाबार
नेवल एक्सरसाइज जो होती है वो कंडक्ट हुई होगी बेसिकली अगस्त 21 टू 24, ठीक है, अभी होनी है, तो ये बेसिकली याद रखेंगे। अब भारत की तरफ से इसमें जो है मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय और फ्रिगेट जो है INS शिवालिक ये पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट P-81, ASW हेलीकॉप्टर एंड स्पेशल फोर्सेस विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। ऑलराइट, तो ये बेसिकली क्या है आपका INS रणविजय के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, ये आप ये बेसिक आपको पता होने चाहिए। सो INS रणविजय जो है ये एक डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर में पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, वॉरशिप्स होते हैं, फास्ट मूविंग और इजी टू मैन्यूवर जो है आपके ये वॉरशिप्स होते हैं, ठीक है। तो INS जो है रणविजय ये क्या है आपका, ये है डिस्ट्रॉयर। दूसरी तरफ फ्रिगेट की बात करें, फ्रिगेट का भी यही काम होता है, फास्ट मूविंग होते हैं और इजी टू मैन्यूवर होते हैं ये दो, लेकिन स्मॉल इन साइज कंपैरेटिवली अगर मैं डिस्ट्रॉय की बात करूं तो फ्रिगेट जो है ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। सो फ्रिगेट शिवालिक जो है ये भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। INS रणविजय के कॉन्टेक्स्ट में बात करें सो इट वाज कमीशन्ड इन 1988 एंड अगर मैं फ्रिगेट शिवालिक की बात करूं तो ये 2010 में कमीशन किया गया है। ये कमीशन करना ये जरूर पता होना चाहिए आपको। चलिए अब बेसिकली एक्सरसाइज की क्यों जाती है, देखिए क्वाड नेशंस जो है लगातार अपनी इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन में अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं टू काउंटर चाइना, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, चाइना भी लगातार अपनी कोशिश कर रहा है इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने की, सो उसको काउंटर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इंटर ऑपरेशन जो होंगे, ठीक है, उस पावर को बढ़ाने के लिए कल को हो सकता है जरूरत पड़ जाए इंटर ऑपरेशन ऑपरेशनेबिलिटी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, या फिर हो सकता है डिजास्टर से संबंधित जो कंबाइंड आपकी ऑपरेशंस होते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार की एक्सरसाइजेस, ठीक है, तभी तो तालमेल बना रहेगा ना। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बदवाना वेटलैंड एडेड रिसेंटली टू रामसर लिस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, ऑप्शन ए हरियाणा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। आंसर कीजिए, अभी रामसर साइट जो है उनके संबंध में कुछ परिवर्तन आए हैं। सो बेसिकली बी जो है गुजरात इज द राइट आंसर। चार नई रामसर साइट्स जो है वो ऐड की गई हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स की हम बात करें इंडिया में, सो नंबर ऑफ 46 हो चुका है, पहले 42 था स्टूडेंट, अब 46 आपकी टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं, जिसमें थॉल फ्रॉम गुजरात, बदवाना फ्रॉम गुजरात, सुल्तान फ्रॉम हरियाणा और ठीक है भिंडवाड़ा फ्रॉम हरियाणा, ये जो है चार रामसर साइट्स में जोड़ी गई हैं भारत से। ये बेसिकली है होम इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, सोशिएबल लैबिंग सकार फाल्कन ऑन एंड डेलमिशियन पेलिशियन का, ठीक है, ये चार बेसिकली जो है इंडेंजर्ड आपकी स्पीसीज हैं जिन जो बेसिकली इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा हम रामसर साइट्स के कंटेक्स्ट में भी बात कर लें, तो रामसर साइट्स हैं क्या, देखिए रामसर कन्वेंशन हुई थी, रामसर कन्वेंशन जो है ये आपकी हुई थी बेसिकली 1971। रामसर इज बेसिकली अ नेम ऑफ सिटी ऑफ ईरान, ये सिटी है ईरान की, ये बेसिकली ध्यान रखेंगे आप। भारत ने इस पे साइन किए हैं 1982 1 फरवरी 1 फरवरी 1982 को साइन किए थे, और तब से जितने भी वेटलैंड आपके क्षेत्र हैं, इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी एंड इट वाज साइंड बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ वेटलैंड एरियाज ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, तो ये इसीलिए बेसिकली साइन की गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग वॉज, ऑप्शन ए ब्राजील, सी बी चाइना, सी इंडिया, डी साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC, ऐसे सिंपल आपको हिंट मिल गई है, अब तो बता ही दीजिए आप, ऑप्शन डी। सो साउथ अफ्रीका जो है स्टूडेंट्स ब्रिक्स नेशन में सबसे अंत में ये बना था, और ये ब्रिक्स के जो फाउंडेशन हुई थी इट वाज बेसिकली टू काउंटर द G7 जैसी ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने के लिए ही आया था। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे स्टूडेंट कब ब्रिक्स की फाउंडेशन हुई थी, ठीक है।
थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली क्यों खबरों में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिक्स नेशंस की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने एक वर्चुअल टॉक्स के माध्यम से एक मीटिंग की है, और इस मीटिंग को, इस सेशन को की जो थीम रही वो थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। देखिए ब्रिक्स नेशन जो है इसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, दो नेशंस आप देख लीजिए, इंडिया एंड चाइना, इवन ब्राजील में भी बहुत पॉपुलेशन है, साउथ अफ्रीका भी इमर्जिंग पावर है। तो यहां पर जो है हंगर और पॉवर्टी की बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया कि यूनाइटेड नेशन का जो 2030 एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इन गोल्स को अचीव करना है, स्पेशली हंगर और पॉवर्टी से संबंधित। और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देना है ब्रिक्स नेशंस के बीच में, क्लियर है। तो बहुत ही फाइन हम कह सकते हैं कि एक डिस्कस किया गया है, जो ग्रास रूट रियलिटीज हैं उन पे चर्चा की गई है, स्पेशली पर्टेनिंग टू हंगर एंड पॉवर्टी स्प्रेडिंग इन दिस रीजन, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ऑप्शन ए जापान, बी इंडिया, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सवाल है स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। सो बेसिकली ऑप्शन सी जो है, न्यूजीलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड, ठीक है, क्वाड के जो सदस्य मेंबर हैं इंडिया है, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड 2007 में इसकी शुरुआत हुई कि क्वाड जैसी संस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव था, और ये आइडिया जो था आपके उस समय के 2007 के जापानीज प्रेसिडेंट सिंजो आबे ने दिया था, बाद में 2017 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट रेडी इन दैट टाइम, ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट रेडी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ चाइना, और 2017 दो तकरीबन 10 साल का समय लग गया क्वाड को बनने के लिए, ठीक है। सो अभी रिसेंटली खबरों में क्यों है उस पर बात करते हैं। तो ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जो स्ट्रेट क्षेत्र है इससे संबंधित खबरों में है, ताइवान ने अभी चाइना को इरिटेट करते हुए पब्लिकली थैंक किया है क्वाड मेंबर्स को, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्ट्रेट रीजन, ठीक है। इवन यूएस ने भी G7 का भी कुछ समय पहले टॉक्स हुए थे, तो वहां पर भी ताइवान स्टेट के बारे में बात की है। देखिए इस पूरे क्षेत्र पर चाइना अपना अधिकार समझता है, ठीक है, नॉट ओनली इन द ताइवान स्टेट रीजन, इवन इन द साउथ चाइना सी, इसके नीचे आपका साउथ चाइना सी है, उस पर भी कंप्लीटली अपना अधिकार बताता है चाइना, जिसका खंडन किया जाता है कंप्लीटली बाय ऑल द जो नेबरिंग नेशन है उनके द्वारा। तो अभी क्या है, अभी रिसेंटली क्यों इस पर इतनी ज्यादा गहमा गहमी हुई है, क्योंकि चाइना ने एरियल इंक्रूजन किया है सबसे बड़ा अभी तक का ताइवान में, ठीक है, कुछ समय पहले, जिसमें 28 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो थे दे फ्लू इन एयर स्पेस ऑफ ताइवान रीजन, क्लियर है। सो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब भी स्टांस चाइना की तरफ से लिया जाता है ग्लोबली जो है उसकी निंदा की जाती है, साथ ही साथ ताइवान जो है वो भी जो है उसके लिए कहीं ना कहीं थ्रेट का भी, देखिए इस प्रकार के जो स्टांस होते हैं वो डायरेक्ट अटैक्स का नहीं होता बेसिकली, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का कोल्ड वॉर पॉलिसी जो थी ना, डराने की पॉलिसी कि भाई अपनी प्रेजेंस शो करना इन एरियाज में, दैट्स इट, कोई युद्ध नहीं हो जाएगा अगर वो डिप्लॉय कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी कि भाई इंटरनेशनल एरिना में वॉर आज हो जाए, एक समय था इजिली हो जाते थे, अब होगा तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर ही होगा, अदरवाइज इट इज नॉट दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं है ग्लोबली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और ये जो नेशंस हैं जुड़े होते हैं और बहुत से नेशंस के साथ, तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थ्रेट होता है। इससे पहले चाइना का आप देख चुके हैं कि भाई भारत के कंटेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो तवांग क्षेत्र में दलाई लामा अपना बर्थडे मनाने जाते हैं, और यहां पर जो है जो चाइनीज प्रेसिडेंट है रिंगपिंग, वो यहाँ 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बॉर्डर पर चाइना भारत से जो डिस्टेंस था वहां पर अपनी प्रेजेंस देते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज टू शो दिस कि भाई हम जो है इसके सपोर्ट में नहीं है, और डराने के लिए भारत को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी तक इस प्रकार के पॉलिसी चाइना लगातार अपनाता रहा है, बट इंटरनेशनली ग्लोबली क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस पूरे क्षेत्र में चाइना की हेगेमनी को कम करने में,
आई होप कि कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको नहीं पता चला होगा. एंड हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. डेली स्टूडेंट आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, और मेड द हैबिट कि भाई ये क्वेश्चंस तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ जो पीछे आप हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट 3 months बैक, सो उनको भी आप रिवीजन करना आप शुरू कर दें ताकि यू कुड स्कोर वेल इन द प्रीलिम्स. चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.